नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एक्सट्रीम एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन फी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके अंतर्गत कितने कोर्सेज हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहता हूँ। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कि आपके और हमारे अंदर जो हिडन स्किल्स है, जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं या फिर जिसको टाइम आने पे हम छोड़ देते हैं, उसको बेसिकली इम्प्रूव करना और उस इम्प्रूव स्किल के दम पे ही आपको अच्छे से अच्छे जॉब दिलाना। यह योजना बेसिकली उन लोगों पे ज्यादा फोकस करती है जो 10th या 12th पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं और जो बेरोजगार होते हैं, तो उनके अंदर जो हिडन स्किल्स है उसको ढूंढ के, उसको इम्प्रूव करके उनको जॉब दिलाने में इस योजना का योगदान होता है। जो भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना के तहत हर शहर में एक या एक से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, जहां आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की क्लासेस दी जाती हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली एक नंबर पे कॉल करना होता है, जो नंबर है 0880055555। इस नंबर पे आप जैसे ही कॉल करेंगे, वहां से आपको एक मैसेज आएगा, NADC में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपको जल्दी वापस कॉल आएगी। और इसके बाद आपको उधर से संपर्क किया जाएगा, जिसमें आपको आपके इंटरेस्टेड फील्ड के बारे में जानकारी ली जाएगी, आपका नियरेस्ट जो सबसे नज़दीक प्रशिक्षण केंद्र है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फी कितनी होती है। दोस्तों, अगर रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फी आपके इस कोर्सेज पे डिपेंड करती है। इस योजना के अंतर्गत जो सबसे कम फीस है वो 800 रुपये है और मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा फीस है वो है 1200 रुपये। मतलब 800 और 1200 के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद आपको दी जाती है इनाम राशि। उस इनाम के लिए आपको एक पर्टिकुलर लेवल बनाया गया है और आप अगर उस लेवल के अंतर्गत आते हैं तो आपको कुछ इनाम भी दिए जाते हैं। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत आपको मैक्सिमम कोर्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगी, ब्यूटी टिप्स, ब्यूटी से रिलेटेड आपको अगर कोई स्किल्स डेवलप करना है तो उसके बारे में उसका एक अलग से कोर्स मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उस फील्ड में भी आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट स्किल में तो आप हैंडीक्राफ्ट में भी अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। इस तरह से तमाम कोर्सेज हैं जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं। मीडिया और एंटरटेनमेंट फील्ड में भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस योजना के तहत अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम के तहत। तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भारतवर्ष में रह रहा हर एक नागरिक इस योजना का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल है। जिसको भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है वो बेहिचक इस योजना का लाभ उठा सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत किसी स्किल्स में अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं और आप किसी एक पर्टिकुलर लेवल में आते हैं तो आपको दी जाएगी इनाम राशि। जो लेवल है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा और इस इनाम राशि का जो रकम है वो आपको बेसिकली 5000 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक का इनाम है इस योजना के तहत। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।